हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मुंबई वाले सर। आज हमारे चैनल को 1 ईयर कंप्लीट हुआ है, तो उससे रिलेटेड आज का वीडियो है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में मैं पूरा बात करूंगा मेरा 1 ईयर का जर्नी यूट्यूब पे किस तरह से था और क्या क्या हुआ था। तो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे मजेदार किस्से हुए हैं, तो आज के वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले अपना फर्स्ट वाला वीडियो, दैट इज 4th ऑफ नवंबर 2019। मुझे अच्छी तरह से पता है, एक बेंच के ऊपर 2 कैमरा, एक नीचे नोटबुक पे फोकस कर रहा था, एक कैमरा मेरे फेस पे फोकस कर रहा था जिसपे मैं कभी देखा ही नहीं। मैं नीचे देख के अपना सम कर रहा था और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था, सम एक्सप्लेन कर रहा था। वो एक्सप्लेनेशन तो बच्चों को समझ में आया रहेगा, लेकिन मुझे कभी बच्चे दिखे नहीं क्योंकि मैं नीचे देख रहा था। इस तरह से वो पहला वीडियो था, बहुत ही फनी लगा मुझे। अभी जब कभी मैं वो वीडियो देखता हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप भी जरा जाके वो वीडियो चेक करिए। क्योंकि कैमरा का इतना फेसिंग वगैरह, मतलब कैमरा किस तरह से फेस किया जाए ये पता नहीं था। ऐसा पढ़ा सकता हूँ लेकिन कैमरा के सामने पढ़ाना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि आगे कोई स्टूडेंट नहीं है और उनको एक्सप्लेन करना तो ये डिफिकल्ट टास्क था। तो वो मेरा फर्स्ट वाला वीडियो था। देन उसके बाद धीरे धीरे हम लोग वीडियो, मतलब मैं अपलोड करते गया, बहुत ही कम वीडियोज मेरे आते थे, हफ्ते में एक आध बार दूसरा वीडियो आ जाता था। देन थोड़ी बहुत मैंने कुछ स्टोरी वगैरह मैंने खुद ने लिखी हुई स्टोरीज वगैरह है, वो आप लोग को इनिशियली वगैरह मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पे कुछ स्टोरीज वगैरह मिल जाएगा, वो मैंने अपलोड कर दी। उसमें से कुछ स्टोरीज बहुत ही औसम है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का या मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह है उनका कमेंट्स है कि सर अच्छी तरह से स्टोरीज आई है, तो ये सब सुन के अच्छा लगता है। तो इस तरह से धीरे धीरे ये जर्नी स्टार्ट हुआ। लेकिन एक 4-5 महीना मेरा ये जर्नी स्टार्ट था, उसमें मैं वीडियोज अपलोड कर रहा था। ऑलमोस्ट मई तक मैंने 25-30 वीडियोज अपलोड कर दिए थे और चैनल में ऑलमोस्ट 350 सब्सक्राइबर कुछ तो थे, तो बहुत ही कम एक्चुअली सब्सक्राइबर थे। और एक मोमेंट ऐसा लग रहा था कि क्या कर रहा हूँ, मतलब इधर तो आ गया हूँ, कर रहा वीडियो तो डाल रहा हूँ, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, ना वॉच टाइम कवर हो रहा है ना सब्सक्राइबर कवर हो रहे हैं। और ऑब्वियसली कुछ तो कैसा रहता है, एक सब्सक्राइबर एक दिन भी बढ़ता है तो भी एक अच्छा लगता है कि अरे एक सब्सक्राइबर बढ़ गया। मैं हमेशा चेक करता था मोबाइल में, अरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, लेकिन कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, एक आध दूसरा सब्सक्राइबर बढ़ रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि मजा नहीं है, क्विट कर लेते हैं। लेकिन इंग्लिश में कहा जाता है ना, सक्सेस डिपेंड ऑन सेकेंड लेटर, दैट इज यू। मतलब सक्सेस अगर आपको किधर भी चाहिए तो आपको खुद को ही एफर्ट करने पड़ेंगे, खुद को ही कोशिश करनी पड़ेगी, खुद को ही इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। और वही चीजें मैं करते गया। फिर धीरे धीरे मुझे वो सब कैमरा का एंगल वगैरह ये सब चीजें के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया। एडिटिंग का स्किल भी मैं सीख गया, क्योंकि इससे पहले वीडियोज में मेरे कुछ स्टूडेंट्स वगैरह वो एडिटिंग करके देते थे, लेकिन उसमें फिर उनको रिक्वेस्ट करना, उनको बुलाना वगैरह ये सब चीजें हो जाती थी। तो फिर उससे अच्छा मैं ही एडिटिंग वगैरह भी सीख गया और धीरे धीरे मैंने अपना वीडियो का क्वालिटी वगैरह अच्छी तरह से कर दिया। अच्छा खासा मोबाइल वगैरह फ्रेंड का था वो लेके आया और उसके जरिए मैं शूटिंग करता गया। देन मेरे माइक वगैरह भी था मेरे पास, नॉर्मली पहले सादा माइक था, उसके जरिए बहुत सारा एक्सटर्नल नॉइस वगैरह उसमें कवर हो रहा था, मतलब आ रहा था बीच में, तो डिस्टर्बेंस लग रहा था, मतलब मुझे ही सुनने को थोड़ा बहुत अजीब लग रहा था। तो फिर मैंने बोया का एक माइक ले लिया। देन उसके बाद और अच्छी तरह से इंप्रूवमेंट करते गया, मतलब साउंड का क्लियरिटी वगैरह अच्छे आने लगा। देन प्रेजेंटेशन वगैरह भी अच्छी तरह से, बोर्ड पे वगैरह जो सम्स वगैरह है वो अच्छी तरह से सॉल्व करने के लिए वो भी ध्यान में दिया। देन अगेन आप लोग देख सकते हो, अभी तो मेरे पास माइक भी नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी आवाज आ रहा है, तो ये भी एक हम लोगों ने नया और थोड़ा सा एडवांस कर दिया। तो इस तरह से ये जर्नी स्टार्ट हो गया। और देन मैंने जैसे कहा कि मैं तो कुछ इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था, जून के बाद मैंने और थोड़ा सा एडवांस कर दिया और जून के बाद मैं ज्यादा वीडियोज डालने लगा, ज्यादा वीडियो अपलोड करने लगा, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम फ्री था, क्योंकि लॉकडाउन है, बहुत सारे बच्चे घर पे ही है, तो ऑनलाइन लेक्चर थे, तो मुझे टाइम थोड़ा मिलने लगा, तो मैंने मैक्सिमम वीडियो अपलोड कर दिया। और जून से मैंने, मतलब हमारे चैनल जो ऐसा चल रहा था तो डायरेक्टली ऐसा आ गया, ओके, मतलब चैनल ने जल्दी ही पिक पकड़ लिया। 350 से 400, 400 से 450 ऐसे करते 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 मैं 2 महीने में मेरा 1000 का जो टारगेट था, दैट इज 1000 सब्सक्राइबर, ये मैंने 9th ऑफ अगस्त को मैंने ये अचीव कर दिया। उसका भी एक मैंने वीडियो बना के चैनल में डाल दिया है, आप लोगों ने नहीं देखा रहेगा तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके जरूर चेक करिए। थैंक यू नोट था वो 1000 सब्सक्राइबर का। देन उसके बाद एक महीने के बाद, दैट इज 12th ऑफ सेप्टेम्बर को मैंने मेरे चैनल ने 2,40,000 वॉच मिनट जो लगते हैं
वो कंप्लीट कर दिए, दैट इज मोनिटाइजेशन हो गया, हमारे चैनल पे एड्स वगैरह आने लगे। तो ये सब चीजें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती गई और धीरे धीरे जैसे कहा कि वो 350 से लेके ऑलमोस्ट अभी 3000 तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो ये सब के पीछे आप सबका बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। ओके, तो ये सपोर्ट मुझे कुछ तो बूस्ट कर दे गया और इसके वजह से आज कुछ तो यहाँ पे मतलब मैं एक अच्छी तरह से लग रहा है कि YouTube पे आके मैंने कुछ कमाया है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे जब भी मैं कुछ वीडियोस वगैरह डालता हूँ, कि अभी तक जितने भी वीडियोस डाले उसमें अच्छे खासे रिस्पॉन्स आ जाते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, मुझे एक बार राजस्थान के स्टूडेंट का कॉल आया था कि सर मुझे थोड़ा बहुत हेल्प कर दीजिए। देन मुझे एक बार यूपी के कोई स्टूडेंट है उसका कॉल आया था कि सर मुझे हेल्प चाहिए एडमिशन के लिए या करियर गाइडेंस कर दीजिए। देन दिल्ली के कुछ स्टूडेंट्स थे, इवन महाराष्ट्र के जितने भी नागपुर रहे, नासिक रहे, अमरावती रहे, बीड रहे, यहाँ से बहुत सारे कॉल वगैरह आए। मतलब उन्होंने कहाँ से नंबर निकाले, कैसे निकाले पता नहीं, लेकिन उन्होंने कॉल किया सर हमारी हेल्प कर दीजिए। और जब भी वो सब चीजें मतलब बनती है, मतलब वो लोग हेल्प मांगते हैं और अगर हम लोग कुछ उनका हेल्प करते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। एट द सेम टाइम पे स्टूडेंट भी खुश हो जाते हैं कि नहीं सर ने हमारा हेल्प कर दिया। तो ये सब चीजें बहुत ही इंस्पिरेशनल रहती है, बहुत ही अच्छी रहती है। इसका जो फीलिंग है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स तो वो तो रहता ही है, और आप लोग को मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि मैं आपके ईच एंड एवरी कमेंट को रिस्पॉन्स जरूर करूंगा। और आज तक आपको पता है मैं हर एक कमेंट को ऑलमोस्ट रिप्लाई कर देता हूँ। कुछ भी रहे, मुझे समझा नहीं समझा, जो कुछ रहेगा वो आपको मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ताकि ऐसा ना लगे कि आप लोग खाली चैनल पे आके विजिट कर रहे हो, बाकी कुछ हो रहा नहीं है, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे सब चीजें मैं आपको दे रहा हूँ, तो इस तरह से आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखिए। अभी मैं थोड़ा सा बात करता हूँ चैनल में क्या क्या रहता है मेरे। तो देखिए चैनल में मैं तो पहले जैसे कहा कि मैथ्स के वीडियो से ही मैंने स्टार्ट किया था। देन कुछ मोटिवेशनल, क्योंकि स्टूडेंट्स को मोटिवेशन की भी जरूरत रहती है। देन मैंने एजुकेशन अपडेट्स भी देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एजुकेशनली अपडेट क्या है ये सब चीजें। और अभी ये जो पीरियड था, दैट इज लॉकडाउन का पीरियड था, उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए। मतलब एजुकेशन पॉलिसीज रहेगा, स्कूल रहेगा, कॉलेजेस रहेगा, एडमिशन प्रोसेस, इस सब में बहुत सारा बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा था। इसके लिए मैंने उसके ऊपर भी वीडियोज बनाए, उसको भी अच्छी तरह से आप लोग ने सपोर्ट किया, अच्छी तरह से मतलब लोगों ने देखा वो वीडियोज, अच्छा लग रहा है ये सब चीजें करते हुए। और फिर धीरे धीरे हम लोग ने ये सब चीजें उसमें इंक्लूड कर दिए। अभी मेरे मैंने और एक चैनल ओपन कर दिया है, दैट इज एआर सर, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या मेरे चैनल पे आ जाओगे आप लोग विजिट करोगे तो आपको वहां पे भी मिल जाएगा चैनल के लिस्ट में एआर सर। यहाँ पे हम लोग ने अभी 25 वीडियो डाला है। यहाँ पे मैं 8, 9, 10, 11, 12 स्टैंडर्ड के जो मेजर सब्जेक्ट है, मैथ रहे, इंग्लिश रहे, या अपना साइंस रहे, या साइंस के जो बायोलॉजी वगैरह रहे, या कॉमर्स के बीके वगैरह रहे, इसके वीडियोस वगैरह हम लोग वहां पे भी अभी पोस्टिंग कर रहे हैं। ज्यादा वीडियो नहीं है, अभी 25-30 वीडियो है, ऑलमोस्ट 200 के आसपास सब्सक्राइबर है। तो आप सबको ये भी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वहां पे भी जरूर विजिट करिए, वो चैनल को भी जरूर सपोर्ट कर दीजिए, जिस तरह से आप लोग ने मुंबई वाले सर चैनल को सपोर्ट किया है, ऐसा ही सपोर्ट वहां पे भी कर दीजिए, ताकि वहां पे आपको एजुकेशनल सब जो रिलेटेड जितने भी वीडियोस रहेंगे, जो भी आपके टॉपिक रहेंगे, जो भी डाउट्स रहेंगे, क्योंकि आने वाले एक दो महीने में उसमें मैं मैक्सिमम वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, ताकि आप लोग का जब भी आने वाला जो एग्जाम है, जो फाइनल एग्जाम है मार्च अप्रैल में नॉर्मली आ जाता है, उस टाइम पे आप लोग को ज्यादा यहाँ वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग को चैनल ओपन करने का, वहां पे आपको सब वीडियोस अच्छी तरह से मिल जाएगा। क्योंकि आज के डेट में दैट इज लॉकडाउन है, बराबर, वो सारे लोगों के जॉब गए, ऐसे में पर्सनल ट्यूशन वगैरह या कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना, ये सब चीजें बहुत ही डिफिकल्ट हो गई है, और इकोनॉमिकली भी ये सब अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आप लोग के पास ये एक ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, और ऑब्वियसली एक क्वालिटी टीचर्स के साथ आप लोग को पढ़ने का है, तो ऑब्वियसली आपका जो नॉलेज है वो इंप्रूवमेंट होगा, और वो भी नो कॉस्ट ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि वाईफाई वगैरह या डेटा वगैरह तो वो आपके मोबाइल में वैसे भी रहता है। तो इस तरह से हम लोग वहां पे भी वर्क कर रहे हैं, तो उधर भी आप लोग जरूर सपोर्ट करिए, जरूर एक बार विजिट कर दिए उस चैनल को। और जैसे कि ये जो एक साल कंप्लीट हुआ है, एक साल में 3000, 2 ईयर्स सेम डेट पे नेक्स्ट ईयर मिलेंगे, दैट इज 2021 पे मिलेंगे, तभी में कितना 30 से कुछ नहीं होगा, 3 लाख का मेरा तो टारगेट है। तो आप सबको भी यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ मेरे कुछ भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया तो जहाँ पे व्यू जो रहते हैं उसमें सब्सक्राइबर के व्यू रहते हैं 10% और नॉन सब्सक्राइबर के 90%। तो अगर मैं ये 90% का कन्वर्जन कर लूंगा तो मुझे पता है मेरे जो 3 लाख का मेरा जो टारगेट है नेक्स्ट ईयर का वो कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो ये जरूर कंप्लीट होगा, एक साल के अंदर ही कंप्लीट होगा।
शायद आने वाले 4-5 महीने में ये कंप्लीट हो सकता है। तो आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों के बीच में शेयर कर दीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल रहा है वो जरूर बच्चों के, मतलब अपने जो स्टूडेंट्स से, पेरेंट्स से, या अपने जो फ्रेंड सर्कल में जो भी है उनको शेयर कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंटली बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग करते हो तभी हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।